गोरखपुर शहर में छुट्टा पशुओं को सड़क पर छोड़ना अब पशुपालकों को काफी महंगा पड़ेगा, क्योंकि नगर निगम की टीम अब सड़क पर घूमते हुए गौवंशों को पकड़ेगी और पशु मालिक दंड के भागीदार होंगे। शहर की सड़कों पर कहीं गौवंश घूमते दिखाई नहीं देंगे। नगर निगम प्रशासन ने पकड़े गए पशुओं को फर्टिलाइजर स्थित गौ संरक्षण केंद्र या मधवलिया गौ सदन भेजा जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सहायक नगर आयुक्त संजय शुक्ला ने कहा, देखिए नगर निगम इसके बारे में बहुत ही गंभीरता से प्रयास कर रहा है। लगातार 3 शिफ्टों में काम कराया जा रहा है और आप देख रहे होंगे कि तमाम जो मुख्य सड़कें हैं उन पे पशु अब दिख भी नहीं रहे हैं। तो आवारा पशुओं के विरुद्ध तो हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। कुछ को यहाँ पे फर्टिलाइजर जो हमारा वो है गौ संरक्षण केंद्र है फर्टिलाइजर में उसमें रखा गया है और शेष जो है वहाँ पे मधवलिया ट्रांसफ़र किया जा रहा है। लगातार किया जा रहा है ये काम, लेकिन एक सहयोग जनता से भी चाहिए और ये नगर निगम की तरफ से मैं अपील करना चाहूँगा कि जितने भी पशुपालक या डेयरी संचालक लोग हैं, हालांकि कई लोगों ने पॉजिटिव काम किया है, अपने पशुओं को उन्होंने अपने बाड़े में रखना शुरू कर दिया है, लेकिन ये अपील है और ये अपेक्षा भी की जाती है कि लोग अपने पशुओं को सड़क पर ना छोड़ें, कतई ना छोड़ें। अगर छोड़ेंगे तो फिर दंड के पात्र होंगे, तो इसलिए दंड से बचने के लिए किसी को परेशान करने कोई नियत नहीं है। सड़क जो है हमारी खाली रहे, जहाँ भी इससे कोई समस्या उत्पन्न हो रही है वो ना हो और शासन के आदेश का समय का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए दोनों पक्षों की संवेदना होनी चाहिए। नगर निगम स्तर पर भी और जो पशुपालक हैं उनके द्वारा भी किया जाना चाहिए। तो हमें आशा है कि लोग करेंगे, कर भी रहे हैं हम।